अमेरिका में ओहायो के सिनसिनाटी में एक आदमी गले में फांसी का फंदा डाल चुका था। इसी बीच मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आया। इत्तेफाक से उसने फंदा उतारकर मैसेज चेक किया। उसमें गौर गोपाल दास का वीडियो था। इसके बाद उसने 15 घंटे तक यूट्यूब पर उनके वीडियो देखे और मरने का इरादा छोड़ दिया। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि गौर गोपाल दास ने ये किस्सा खुद बताया है। आइए जाने एक इंजीनियर से संत बने गौर गोपाल दास के जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों के बारे में और उनकी अमेजिंग जर्नी जिसने कई जवानों को इंस्पायर किया। गौर गोपाल दास मारवाड़ी जैन परिवार से हैं। गौर गोपाल दास का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के वंबोरी कस्बे में हुआ है। उनकी पढ़ाई लिखाई पुणे के पास देहू में हुई। वो माता पिता के लाडले थे, साथ ही पढ़ाई में भी अच्छे थे और पेशे से एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी रैंक नहीं आई। मतलब रैंक आई लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं आई, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो गए और रोने लगे। लेकिन उनके पिता ने कहा कि रैंक और नंबर वक्त के साथ कोई याद नहीं रखता, अच्छा काम करते रहो, लोग इसी बात को याद रखेंगे। फिर क्या था, वो एक बेस्ट इंजीनियर बनने की रेस में लग गए, जिसमें उन्होंने नौकरी भी हासिल की। HP कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहीं गौर गोपाल ने नौकरी करना शुरू किया, लेकिन उनका मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए उन्होंने कुछ सालों बाद नौकरी छोड़ दी और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। नौकरी छोड़ने पर उनका कहना था कि मैं मशीन के सामने बैठकर बदलाव नहीं लाना चाहता। वैसे गोपाल दास जी की आध्यात्मिकता को समझने की जर्नी बचपन में ही शुरू हो गई थी। उनकी एक स्कूल टीचर ने उन्हें KG क्लास में ही काफी इन्फ्लुएंस किया था। वो बताते हैं कि जब मैं 5 साल का था तो KG की टीचर मिसेस राघवन का उन पर गहरा असर पड़ा। उनके नेचर से ही उनमें आध्यात्मिकता को जानने की इच्छा पैदा हुई। वहीं छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक ऐसा भयानक हादसा देखा जो उनके दिल में घर कर गया। दरअसल जब गोपाल दास जी 3rd क्लास में थे तो उन्होंने अपनी बुआ को ससुराल वालों से तंग होकर आग में जलते देखा था। ससुराल वालों से तंग बुआ को आग में जलता देख उनकी चीखें और जलता शरीर देखकर वो अंदर तक हिल गए थे। इस तरह के अनुभवों ने ही उन्हें जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाया। खैर ऐसा नहीं था कि नौकरी छोड़ने के फैसले पर उनके माता पिता खुश थे। उनके माता पिता के लिए बेटे का नौकरी छोड़कर इस्कॉन जाना किसी कयामत की तरह था, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो लगातार उन्हें वापस लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पूरे 1 साल कोशिश करने के बाद उन्होंने गोपाल दास जी की मर्जी को मान लिया। लेकिन इन सब में उनके पिता बीमार हो गए। 2009 में उनके पिता पार्किंसंस की बीमारी के चलते चल बसे। उनकी माँ, दादी और बहन ने मिलकर हॉस्पिटल में उनके पिता का इलाज करवाया। अब क्योंकि गोपाल दास जी आध्यात्मिकता की यात्रा पर निकल चुके थे, इसलिए वो इस बुरे वक्त में अपने परिवार के काम ना आ सके। वो कहते हैं कि उनके परिवार को उस दौरान जो सहना पड़ा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि उन्हें ये दुख मेरे इस मार्ग को अपनाने से हुआ। मैं इसके लिए कोई दलील भी नहीं देना चाहता। वेल, आपको बता दें, गौर गोपाल दास तकरीबन 20 साल तक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन से जुड़े रहे। वहीं उन्हें गौर गोपाल दास वहीं पर उन्हें गौर गोपाल दास नाम भी मिला। 20 सालों तक उन्होंने एंशियंट फिलोसफी एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी की पढ़ाई की और लाइफ कोच बन गए। वो कहते हैं कि मैं अपनी स्पीच आज की घटनाओं पर बनाता हूँ, मिसालें, भाषा, कहानियाँ मॉडर्न सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने वाली इस्तेमाल करता हूँ। स्पीच में लाफ्टर होना बहुत जरूरी है, सच कड़वा होता है, इसलिए सच बताना सर्जरी करने जैसा है और लाफ्टर एनेस्थेसिया का काम करता है, जिससे दर्द कम हो जाता है। तब से दोस्तों गोपाल दास जी 2 दशकों से ज्यादा समय से इंडिया और फॉरेन में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट फर्मों में लेक्चर दे रहे हैं और यहाँ तक कि UN और 3 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लेक्चर दे चुके हैं। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें 2018 में लिखी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट उनकी फेमस किताबों में से एक है। दास जी सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं, उनके 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूथ में खासे फेमस भी हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहला एग्जाम्पल बताया था कि कैसे उनके एक वीडियो ने एक इंसान की जान बचाई, ऐसे ही अनेकों कहानियां हैं दास जी के पास जो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी यूथ को इंस्पायर कर रही होगी और जीने की एक नई उम्मीद दे रही होगी। दोस्तों ऐसी ही इंस्पायरिंग वीडियो के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।